तो सेल्फ इंडक्शन हमने किया जिसमें एक सोलेनोइड है, उसमें अगर मैंने करंट को इंक्रीज किया या मैंने डिक्रीज किया, मींस चेंज किया, तो उस सोलेनोइड के अंदर करंट पैदा हो जाता है, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, जो इंक्रीजिंग करंट या डिक्रीजिंग करंट को अपोज करता है। तो इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल की जगह दो कॉइल चाहिए होते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर सबसे पहले मान लो दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल के अंदर, एक सोलेनोइड के अंदर मैं करंट को यहां पर पास करूंगा, इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, जैसा भी करना चाहो वैसा करूंगा। तो मैं करंट को यहां पर इंक्रीज करूंगा। जब मैं करंट को इंक्रीज करूंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा होगा तो पड़ोस में ये कॉइल पड़ी हुई है जो बिल्कुल इसके बहुत पास पड़ी हुई है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब इसका भी बढ़ेगा तो पड़ोस वाली कॉइल का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इसके चपेट में आ गई। तब क्या होगा, इसमें जब बी बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो ये कहेगा ऐसे कैसे फ्लक्स बढ़ गया, तो मैं अपने अंदर क्या पैदा कर लूंगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करूंगी, जबकि हमने इसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं, इसमें कोई भी करंट पास नहीं किया, हमने करंट सिर्फ इसमें इंक्रीज किया था। इसमें इंक्रीज करने के बाद इसमें करंट अपने आप पैदा हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या प्रोसेस है कि हम करंट एक में चेंज करते हैं और दूसरे में अपने आप पैदा हो जाता है, या दूसरे में अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि पहली कॉइल का जब फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो साथ वाली पड़ी हुई कॉइल का भी फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी, जबकि हमने इसे बिल्कुल भी कोई करंट दिया नहीं था, पर इसमें करंट पैदा हो गया, इंड्यूस करंट पैदा हुआ, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल। करंट तो पड़ोस की कॉइल का चेंज हुआ, पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में पैदा हो गई। लेकिन कुछ लोग ये बोलेंगे कि जब इसमें करंट चेंज हुआ तो इसके अंदर भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई थी, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और पड़ोस की कॉइल में भी पैदा हुई, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर कोई कॉइल अपने अंदर जनरेट करे इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कोई कॉइल अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करे उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, और अगर पड़ोस की कॉइल में जनरेट करे उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हैं तो हम सेल्फ पढ़ते हैं, म्यूचुअल की बात नहीं करते। इसलिए हमने जब इसमें करंट चेंज किया तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन हुई, पर अब हम इसे कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है यहां तक? ठीक। करंट एक कॉइल में चेंज होगा और पड़ोस की कॉइल में ईएमएफ पैदा होगी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं।